మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నంబర్ ని సంప్రదించండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మే విజయవాడ మే అభూతపూర్వ సంకట్ కి స్థితి హై. ఐసా పహలే కభీ దేఖా నహీ గయా. ఏక్ సాథ్ 400 మిలీమీటర్ బారిస్ और उसके कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई. बुड़मेरू में कई ब्रीच हो जाने के कारण और अनपेक्षित पानी आने के कारण बेजाबाड़ा में पानी भरा हुआ है. अभूतपूर्व संकट की स्थिति है, लेकिन मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सम्माननीय नेता श्रीमान चंद्राबाबू नायडू गारू जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम 24/7 यही उनका सेक्रेटरिएट बना लिया कलेक्ट्रेट को और 24 घंटे काम कर रहे हैं. जब से ये संकट की स्थिति पैदा हुई, प्रदेश की सरकार ने सीएम साहब के नेतृत्व में दिन और रात काम किया और केंद्र ने भरपूर सहयोग किया. एनडीआरएफ की टीमें यहां काम कर रही है लगातार, एयरफोर्स के, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स जितने मांगे गए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने उनको भेजने का काम किया और दिन और रात राज्य सरकार के साथ मिलकर संकट की स्थिति से जनता को निकालने का प्रयास किया. और इसलिए इतने भयानक जल प्रलय के बाद भी ह्यूमन लॉस, मानव जीवन का नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है. अगर सरकार इतनी दक्षता से काम नहीं करती तो यह स्थिति बहुत भयावह हो जाती. अब तत्काल जो सवाल सामने है, जैसे कि सम्मानी बाबू बता रहे थे आपको, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी. आज मैं बिजयवाड़ा शहर में पानी में भी उतर के घूमा. हमारे स्थानीय केंद्रीय मंत्री, हमारे स्थानीय आईटी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के साथ, और मुझे इस बात का संतोष है कि प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट के साथ यहां के हमारे जनप्रतिनिधि काम में लगे हुए हैं. एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स और अलग अलग वार्ड को एक एक जिम्मेदार आईएएस अफसर के हवाले किया गया है. मैंने लोगों से जाके चर्चा की तो तकलीफ तो है, 5 दिन हो गए पानी भरे हुए, लेकिन बावजूद इसके चाहे फूड पैकेट्स हो, दूध का मिल्क का इंतजाम हो, पीने का पानी हो, ड्रोन से पहली बार आंध्र प्रदेश में आपके लीडरशिप में यह प्रयोग हुआ है. ड्रोन से फूड पैकेट्स, मिल्क पैकेट्स ये ड्राफ्ट किए गए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और लोगों ने बताया कि मिल रहा है उनको. और एक टीम लगातार फोन करके पूछ रही है जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं. तो लोगों की संतुष्टि का स्तर कि हमको मिल रहा है वो बहुत ऊंचा है. लेकिन संकट तो अभूतपूर्व है. जहां से पानी निकल गया है वहां युद्ध स्तर पर सैनिटेशन का काम, जो घरों के अंदर मलबा है, मड है, उसको साफ करने का काम, पानी से धोने का काम भी लगातार हो रहा है. पशु मारे गए तो एनिमल हस्बेंड्री की टीम भी लगातार काम कर रही है. और जो बुड़मेरू ब्रिज है, जल्दी वो बंद हो उसके लिए आर्मी, जैसा आपने बताया, कॉल की गई है और वो जल्दी पहुंचने वाली है. क्योंकि उस पानी का, जब तक वो पानी बंद नहीं होगा तो ये संकट यहां बना रहेगा और कुछ प्रश्नों पर और विचार करना पड़ेगा. जैसे आपने कहा प्रकाशम बैराज,
17 ईयर्स पुराना है, 70 साल, 70। लेकिन उसमें से कितना पानी डिस्चार्ज होगा उसकी सीमा पहले तय थी, लगभग 11.9। लेकिन 12 लाख के ऊपर पानी एक साथ आ गया। मैंने टकराई हुई बोट देखी, वो तो बड़े संकट से बच गए। और इसे टेक्निकली इस डिस्चार्ज को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी ने, आपने मांगी, टीम भी भेजी है। तो कुछ तो ऐसी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के समय बड़मेरू के आसपास ही जो माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग हुई, उसके कारण भी नुकसान पहुंचा और उसके कारण ब्रीच, वो बड़ा कारण एक ब्रीच होने का। तो इन चीजों को भी ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन तत्काल जो आपकी प्राथमिकता है जनता को राहत देने की, क्रॉप डैमेज भी काफी हुआ है। अभी मैंने देखे बनाना का जो प्लांटेशन था वहां हमने देखे फूलों की यहां खेती होती है, हल्दी, सारी क्रॉप्स को भी नुकसान हुआ है। और जो प्रारंभिक अनुमान है क्रॉप्स का वो भी 1.8 लाख हेक्टर में हुआ है, लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हुए। लेकिन क्षति के आकलन के लिए हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने NDRF की टीम भेजी है, नुकसान का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है। मेरे साथ भी कृषि विभाग की आंध्र प्रदेश को देखने वाली ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो देखती है, मेरे साथ ही आई है। तो क्षति के आकलन का काम पूरा करने के बाद, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, घरों में भी जो लॉस हुआ है घरेलू सामान का, दुकानों में व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। और घर रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें थी, टीवी, फ्रिज से लेके घरेलू सामान तक, गैस की टंकी से लेके, काफी व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं, केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहयोग किया है, मदद की है। और आगे भी क्षति के आकलन के बाद, पिछली सरकार ने कई गलतियां की, जैसे फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पिछली सरकार ने जमा ही नहीं किया, और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लेकिन अब ये सरकार, बाबू की सरकार, NDA की सरकार, फसल बीमा योजना के प्रीमियम से लेके जो औपचारिकता है बाकी वो भी पूरा करेगी। तो हम क्षति के आकलन करके फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले और जो बाकी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद जो केंद्रीय टीम आई है वो भी आकलन करेगी। और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं और मिलकर जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, तो संकट के समय जनता की सेवा करना ये NDA की सरकार का धर्म है, केंद्र का भी और राज्य का भी। और इसलिए उसमें भरपूर सहयोग केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार को करेगी और हम मिलकर इस संकट के पार अपनी जनता को ले जाएंगे। टेक्निकल इश्यूज पर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के बाद उस पर भी हम लोग आगे कदम उठाएंगे, ताकि कोई लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं, ऐसी कृष्णा नदी के कारण में जो फ्लड आता और परिस्थितियां पैदा होती है वो भी उठाए जा सकें। मैं कल सवेरे भी क्रॉप के डैमेज को एक गांव में जाके देखूंगा और किसानों से भी वन टू वन चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि श्रीमान चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतर से बेहतर काम करेगी और केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी और इस संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद।